मैं यहीं शोधार्थी हूँ, रिसर्च स्कॉलर। जी ये हमारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय है बिल्कुल जहाँ संविधान पार्क बनाया गया है। हमारे वीसी साहब की ये पहल है। अच्छा, इससे ये है कि सबसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रक्षित परमार। और दोस्तों, आज हम लोग हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में जो कि संविधान पार्क के नाम से बनाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत एक नए स्टैचू के रूप में, मैं साथ ही कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पूरे स्टैचू को दिखाएं ताकि ये एक नए स्ट्रक्चर को एक पहचान मिल सके जो कि मेवाड़ की राजधानी उदयपुर, जो हमारे देश के संविधान को लेकर एक जो स्टैचू बनाया गया है वो देश की जनता को एक तरह से जागरूक करता है और उनकी एक समझ पैदा करता है उनके अंदर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। अगर आप एक जनता होने के नाते अधिकारों की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि हमारे एक नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाएगी। और दोस्तों, आज यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या मानते हैं संविधान, जो कि एक बहुत ही, क्योंकि इसके हिसाब से देश चलता है, जितनी भी सरकारें आती है वो चलती है, तो हमारे देश के नागरिक क्या मानते हैं, हमारे उदयपुर के साथी क्या मानते हैं, उनकी क्या समझ है संविधान को लेकर और वो किस डायरेक्शन में देश को दिखना चाहते हैं। आज इन विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। के पास में खड़े हैं हमारे कुछ साथी हैं जो कि उदयपुर घूमने के हिसाब से आए हैं और उन्होंने भी इस स्टैचू को देखा है। सर, आपका नाम थोड़ा सा बताएंगे, आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार पाड़ी है जी। मैं फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालेश्वर उड़ीसा से आया हूँ जी। जस्ट पार्टिसिपेट इन द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं एक छोटा सा एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा सर, कि जैसे देश में एक संविधान है, डॉक्यूमेंट है, हर किसी के समझ में मतलब इतना आसानी से नहीं आ सकता है, इसकी भाषा जैसे क्लिष्ट है, पर आप क्या मानते हैं आम नागरिकों को किस तरह का और मतलब चीज़ों को इनपुट्स इसमें डालने की और समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, आम आदमी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में सब कुछ जानकारी नहीं होगा बिल्कुल। और तो ये सब लोग का एफर्ट चाहिए कि आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देना चाहिए, जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और विश्वविद्यालय है, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ का जितना सारे फैकल्टी स्टूडेंट्स हैं, इनका ये सोसाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम आदमी जो अनपढ़ है, कुछ जो इलिटरेट है बिल्कुल, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के राइट जो है लिखा हुआ है आम सिटीजन के लिए क्या है उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। एक तरह से बनाया है स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ने, वो एक मिसाल की तरह है। और कैसे युवाओं को और खासकर स्टूडेंट्स को एक उनकी समझ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किस प्रकार की है, सोसाइटी को लेकर उनके मन में क्या जज्बात हैं, क्या भावनाएं हैं और क्या वो फ्यूचर में तब्दील करना चाहते हैं, तो उदयपुर के साथ ही हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के रूप में हैं, हम चाहेंगे कि एक एक से बात करेंगे, थोड़ा सा अपना परिचय हो जाए और बताएं कि ये स्टैचू आपको किस प्रकार से इंस्पायर करता है, क्या सोचते हैं आप? मेरा नाम भवानी सिंह चारण है जी। मैं यहीं शोधार्थी हूँ, रिसर्च स्कॉलर जी। ये हमारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय है बिल्कुल जहाँ संविधान पार्क बनाया गया है। हमारे वीसी साहब की ये पहल है। अच्छा, इससे ये है कि सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है हमारे युवाओं को, हमारा जो मूलभूत जिससे शासन चलता है, जो हमारा संविधान का दर्शन है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो सब चीज़ें पता लगेगी। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि आमजन, यहाँ के जो लोकल घूमने आते हैं उनको ये सब चीज़ें पता चलेगी, तो जिससे वो शासित हो रहे हैं उनके जो अधिकार हैं वो सब उनको पता होगा, अपने दायित्व निभाएंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है और भी विश्वविद्यालय जो बाकी के हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़े तो अच्छी। तो जनता को तो लगता है कि सरकार है सुप्रीम होती है, क्या आप क्या मानते हैं एज ए यूथ? मतलब नहीं, यूथ यही है, जनता ही सुप्रीम है। हर 5 साल में दिखा दो उनको उनकी औकात, अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर से, वरना जैसिया ना। अच्छा, ये बात ऐसा है। चलिए, बहुत अच्छे व्यूज़ रखे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंट है, एक एजुकेटेड लिटरेट पर्सन तो उसको समझ सकता है या कानून का विद्यार्थी होगा बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, लेकिन आम इंसान जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है उसकी क्या समझ है? वो मतलब जैसा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन और इसको जिस प्रकार बनाने में जितना टाइम लगा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लेकिन क्या देश का आम नागरिक इस संविधान जो डॉक्यूमेंट है इसको समझ पा रहा है? आप क्या सोचते हैं इसमें क्या इनपुट्स डालने की ज़रूरत है? क्या हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आम नागरिक को ये बातें समझ में आए?
सर देखिए, सबसे पहले तो अभी जस्ट आप आए थे, उससे पहले हम चारों इसी पे बात कर रहे थे। इलेवन ट्वेल्थ की जो पॉलिटी है उस पे ही बात कर रहे थे कि इस टाइम पे ऐसे लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो सबसे मेन यही है कि ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है। अपना संविधान बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट इसको सिस्टम को जो लागू करते हैं या फिर ग्राउंड लेवल पे जो अपने टीचर्स वगैरह होते हैं, कहीं कहीं स्तर पे ये चीज़ होती है कि वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाते, इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके से नींव कमज़ोर होगी तो अपने आप ढांचा तो आपको पता ये कमज़ोर होगा। तो सबसे मेन गलती अपनी यही होती है, अगर अपन ढंग से स्टूडेंट्स को या फिर हर स्टूडेंट्स की बात नहीं है, नागरिक को भी अपन अगर ढंग से बताए इस बारे में कि हाँ भाई संविधान है, ये अपने अधिकार है, स्वतंत्रता, ये भाईचारा, ये सब कुछ अपने संविधान में है। तो ये बेसिक से लेके अगर शुरुआती लेवल पर अगर ये करे तो यहाँ मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो जैसा कि इन्होंने बहुत ही शानदार मतलब आंसर दिया है और अपना एक जो व्यू बताया है कि वो किस तरह से देखो देश में युवाओं की समझ ये है, आज का युवा अगर आप उसको मिसलीड करोगे, मिसगाइड करोगे तो ये आपके कहे के अनुसार नहीं चलने वाला है, वो अपना खुद रास्ता तय करने वाला है। आपसे जानना चाहूँगा आप किस तरह से देखते हैं इस स्टैचू को, इस आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं, उस मतलब उसका इम्पोर्टेंस किस हिसाब से है, वो आप उस पर थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम माधुरी ओझा है जी। सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो उस सुप्रीम लॉ के जन्मदाता या वो हम ऐसे समझेंगे पावर जो है वो वेस्टेड है जनता में। तो जनता ही अंतिम हक तक उत्तरदायी है कि हमारे ऊपर किस तरह का शासन चल रहा है। हम उस गलत है तो उसका विरोध कर सकते हैं और जो सही है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की जो समझ है वो सिर्फ पॉलिटी या लॉ के सब्जेक्ट्स तक ही नहीं सीमित रहनी चाहिए, बल्कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए साइंस और कॉमर्स और अदर स्ट्रीम्स में भी, ताकि जो लोग साइंस या कॉमर्स से परस्यू कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज हो। और उसी को देखते हुए जब हम देखते हैं कि वीसी सर ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वो वाचन करते हैं किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत में, तो ये बहुत ही क्या कहें हम, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, और ये आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उदयपुर के साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये स्टैचू तो देखने अधिकतर उदयपुर के लोग ही आते हैं या फिर जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, पर स्टूडेंट्स की तो समझ बहुत अच्छी है, पर उदयपुर के लोग क्या इससे मतलब एक संदेश या सीख आप देना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप कि उदयपुर वाले, ये एक तो सर ये जो जिस तरीके से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वो एक पर्यटन का केंद्र भी बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत सारे लोग जब भी देखने आएंगे तो कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ दो अक्षर पढ़ेंगे, दो शब्द पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जानकारी बढ़ेगी और उनके अंदर क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ से आए हैं और क्यों लिखे गए हैं और उनके पास क्या राइट्स हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। मुझे लगता है यहाँ एक गाइड भी लगा देना चाहिए जो बाहर से आते हैं, उनको थोड़ा बताने के साथ। हाँ, क्योंकि जैसे हम तो स्टूडेंट्स, हमें तो पता होता है कि भाई ये अपने संविधान में मूलभूत अधिकार है अपने, बट जैसे बाहर के लोग आते हैं इसी मोस्ट ऑफ टाइम इसी टाइम आते हैं इवनिंग के टाइम, तो अगर कोई एक होता है ना कि भाई उनसे पूछ सके कि ये क्या है, ये मतलब एक लोग क्या होता है ज़्यादातर यहाँ वॉक करने आते हैं और देख के चले जाते हैं, बट कहीं बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई ये है क्या, अपने आप मन में उठता तो भाई गूगल करेंगे फिर बाद में कि चलो कुछ तो जाए, कुछ नहीं है तो उससे अच्छा कुछ तो जाए। बिल्कुल सही है। तो यही है, बाकी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए, तो हम वीसी साहब से भी एक निवेदन करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो एक छोटी सी मांग है कि यहाँ पे एक देखो एक अच्छा सा अगर गाइड नियुक्त करते हैं तो यहाँ आने वालों की समझ बहुत अच्छी बढ़ेगी। और आपने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आम जनता तक पहुँचाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से मिलकर एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी ये इसकी जो सार्थकता है वो साबित हो पाएगी। बोलते हुए कितना अच्छा लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, अपने आप में एक अलग ही भावना आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे युवा साथी जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट एक तरह से रिसर्चर हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, इनमें आप सबसे बेहतर किनको मानते हैं, एज ए सिटीज़न आप क्या सोचते हैं कि ये दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या मतलब इसमें आप ऊपर नीचे मानते हैं, क्या आपकी समझ क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, ये दोनों हाथों की तरह हैं, मिलाने से ही काम होगा। ओके। एक दूसरे के अनुपूरक है। हाँ।
ड्यूटी निभाओगे तो ये अधिकार है। और हमारे लिए यहाँ इसके विशेष संदर्भ में देखे जी, तो क्योंकि यहाँ बच्चे भी आएंगे तो उन्हें हमें ये सिखाना है, हमने लिख रखा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। बिल्कुल, तो सबसे पहले इसे ही तोड़ने का प्रयास ना करें, तो यहीं वो चीज़ हम दिखाना प्रारंभ कर दें। अब लगा दिया गया है, गार्ड भी है, लेकिन फिर भी शरारती लोग भी आते हैं। बिल्कुल, तो यहीं से जो पढ़ा है उसे व्यवहार में लागू कर दे। सबसे पहले तो यही है, सार्वजनिक संपत्ति की जो है रक्षा करे। ऐसा नहीं है कि साल भर में इसे तोड़ के हो गया संविधान पार। फिर ये है कि छोटे बच्चे जो बाहर से आते हैं अपने दादाजी के साथ, अब घूमने यहाँ आने लगे काफ़ी लोग, तो वो ये चीज़ ध्यान में रखे जो बड़े उनके साथ में आ रहे हैं कि उनको अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में बताइए। और उस साइड जो है अधिकार मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, तो अभी से बच्चे जानेंगे तो ये बच्चे समझेंगे ये हमारा देश है, देखो कितना प्यारा है, हमें बोलने का अधिकार है, हम आलोचना कर सकते हैं शासन की, कैसे हम सहभागी हो, वो सब सिखाएं। उसी में हमने कर्तव्यों में लिख रखा है कि शिक्षा प्रदान करना, तो उसमें भी जो आते हैं साथ में जो कच्ची बस्तियों में बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि एनजीओ से उनको जोड़े, उन्हें भी शिक्षा मिले, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मौजूद है, उस तरह की व्यवस्था की जाए। आपसे एक विवादित मतलब प्रश्न में जी जी बिल्कुल कीजिए, जैसे मूल कर्तव्य है, हाँ, अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो क्या उसके मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? नहीं, वर्तमान व्यवस्था में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो उस व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जो देश उसे इतनी व्यवस्थाएं दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसमें उसे भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में काम करना चाहिए, तभी आगे देश और आगे बढ़ेगा। अच्छा, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सबसे अच्छा भाग कहीं ना कहीं हमारे, मैं समझता हूँ, संविधान का है, जो राज्य को आगे बढ़कर बोल रहा है कि आप खुद लोक कल्याण के लिए आगे आइए। ऐसा नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज की तरह की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अच्छा, जो कमाएगा वो खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई हमारा मान लीजिए बुजुर्ग है, निशक्त है, उसके लिए भी राज्य आगे आगे कुछ करेगा, आपको सामाजिक सुरक्षा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छा, सबसे प्यारा भाग संविधान का है, मैं ये कहना चाहूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं हमारे बीच में, हम आज इनसे जानने की कोशिश करी है कि देखो इनका नॉलेज क्या है, संविधान को लेकर इनकी समझ क्या है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क में आए हैं तो कुछ तो कुछ मतलब हम लोगों को भी लगा कि हाँ, यूथ है जो इनसे बातचीत करनी चाहिए, और जो चीज़ हम सोच रहे थे कि यहाँ कोई आता है घूमने तो ज़रूर उसके दिमाग में कोई ना कोई बात चलती है, कोई ना कोई विचार रखते हैं, तो ये विचार आप सबने जाने हैं, और ज़रूर ये युवा साथी हैं तो इनकी बात को आगे से आगे पहुँचाएं। यूट्यूब चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, आप ये बीड़ा उठा रहे हैं आम जन तक संविधान को पहुँचाने की, ये बातें पहुँचाने की, हमारे विश्वविद्यालय की बात पहुँचाने। मैं हमेशा इस संविधान पार्क में घूमने आता हूँ, और ये जो संविधान जो स्तंभ है इसकी आधारशिला पिछले एक वर्ष में रखी गई थी और अभी ही इनका इनॉग्रेशन हुआ है। हम अक्सर इस देश में अपने अधिकारों को लेकर जागृत हैं, लेकिन आवश्यकता है हमें अपने कर्तव्यों की, तो ये स्तंभ हमें अधिकारों से पहले कर्तव्यों के बारे में याद दिलाता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होंगे तो अधिकार हमें स्वतः ही मिल जाएंगे। और पूरे देश में विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखा जाए तो ये पहला एक ऐसा संविधान पार्क है जो पहली बार विश्वविद्यालय में बनाया गया है। और ये संविधान पार्क क्यों बनाया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों है, जब राज्यपाल महोदय से हमने इस बारे में व्यू लिया तो उन्होंने बताया कि वो जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं तो उनकी एक पहल है कि समस्त विश्वविद्यालयों में एक संविधान पार्क हो, जिससे विश्वविद्यालय से प्रत्येक छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज का हिस्सा बनता है तो समाज में जाने से पहले अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जान पाए, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। और सरकारों का ये भी है कि ये जो संविधान पार्क है इनको एक पब्लिक प्लेस के रूप में विकसित किया जाए ताकि आम जन भी आकर के अपने अधिकारों को जाने और अपने कर्तव्यों को जाने। संविधान इसलिए ज़रूरी है कि संविधान मतलब किसी देश को चलाने के लिए ज़रूरी है, मतलब नियम कायदे कानून, इसीलिए संविधान बनाया है। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत इलाका है। तो दोस्तों को क्या कहना चाहोगे आप, यहाँ घूमे और इन जो भी इन्होंने बनाए हैं इनको, इनकी सुंदरता का लुप्त ले और ये समझे जो भी इन्होंने दिए हैं वो बताएं। मेरा नाम अरविंद नागर है जी, मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो क्या आपने कुछ नोट किया यहाँ पे, क्या कुछ है? बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, जैसे कि मतलब आप अपने दोस्त को बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? दोस्त को बताएंगे आप बहुत अच्छा ये जो है। अच्छा, आप कहाँ से हो? कोटा।
कोटा से हो? हाँ। अच्छा यहाँ पे कैसे आना हुआ था? हम यहाँ जेट की कोचिंग कर रहे हैं। जेट की कोचिंग कर रहे हैं? पास में ही है। अच्छा, मुझे दिखती रहती, तो आज संडे था। हाँ। मैंने सोचा आ जाते हैं। क्या बात तो है? दिखी और बहुत अच्छा लग रहा, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का और काफ़ी कुछ हरियाली वगैरह, मस्त अच्छा लग रहा। चलिए बहुत अच्छा। आप आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नारायण मीणा है, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, ICR की कोचिंग करने आया हूँ। अच्छा। तो हम अभी दोस्तों के साथ बैठे थे जो कि यहाँ सब बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी देखने चले, यूनिवर्सिटी तो हम यूनिवर्सिटी देखने आए, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। विश्वविद्यालय के BC साहब हैं, उनकी ये बहुत ही शानदार पहल है और ये पहल एक तरह से हमारे देश के जो शोधार्थी है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी समझ को बढ़ाता है और उदयपुर के साथ ही जो भी विश्वविद्यालय में घूमने आते हैं उनको भी खासकर संविधान के प्रति एक जोर, एक शानदार समझ बढ़ती है और लोग बाग यहाँ पर आते हैं, अपना समय बिताते हैं। उनको एज ए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, एक नया हब के रूप में ये विकसित हो रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क के रूप में जाना जाता है। और यहाँ हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए और जो हमारे देश के जो संविधान निर्माता हुए, उन संविधान निर्माताओं के यहाँ पर ऐसे कोटेशंस लिखे हुए हैं जो संविधान से जुड़े हुए हैं और वो एक देश को डायरेक्शन देने से संबंधित है कि हमारा जो हमारे देश का संविधान है वो किस प्रकार से एक देश को डायरेक्शन देता है, एक देश को दिशा देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप इस पार्क में आएंगे, मैं खासकर उदयपुर के साथियों से आग्रह करूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ और देखें यहाँ पर कि इस पार्क में आखिर ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट करता है, जो कुछ बात है और आप एक समझ विकसित करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये कोटेशन लिखा हुआ है कि शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है, जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है, तब वह न खुद पर अत्याचार सहन कर सकता है और न ही दूसरों पर अत्याचार होते देख सकता है। तो इस तरह के कथन यहाँ पर हमारे देश के संविधान के बारे में है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी एक कथन है कि कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद की संरचना बरकरार रहे और ये और भी मजबूत बने। तो आपने देखा है कि ये जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो प्रांगण में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना हुआ है और उदयपुर के साथ ही खासकर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं, तो थोड़ा सा हमारे कुछ युवा साथी मिले हैं, उनसे जानते हैं कि अपना नाम बताएं और थोड़ा सा बताएं इस बारे में। जी, मेरा नाम शिवम जैन है और मैं MPUT विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, BTech कर रहा हूँ और हम यहाँ पे रोज़ घूमने आते हैं, हमारा हॉस्टल यहाँ पे पीछे ही है। तो मैं सभी छात्रों से और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, भाई बहन हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पे रेगुलरली विजिट करें, यहाँ पे बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छा है, MLSU ने यहाँ पे डेवलप किया है ये गार्डन। मेरा नाम तीर्थेश जैन है, मैं MPUAT के CTI कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ता हूँ और ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है, ये इन्होंने बहुत अच्छा सा पार्क बनाया है, मैं यहाँ आता रहता हूँ और ये बहुत बढ़िया पार्क है, आपको आना चाहिए। उदयपुर के साथियों को क्या कहना चाहेंगे? एक बार तो कम से कम इस पार्क को देखना ही चाहिए और ये बहुत बढ़िया पार्क बना रखा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।